गली गली में शोर है, कांतारा का ही शोर है। एंड यू नो व्हाट आई मीन इट लिटरली, क्योंकि कांतारा ने अपना डंका हर जगह बजा दिया है, चाहे साउथ हो या फिर हिंदी सिनेमा। बस इसी फिल्म के शोज हर जगह जा रहे हैं प्रॉपर हाउसफुल। केजीएफ के बाद अगर किसी कन्नड़ा फिल्म को इतना फेम और इतना प्रेज मिला है तो वो कांतारा ही है। कंटेंट इज द किंग, और ये ऋषभ शेट्टी की इस डीप फिल्म ने प्रूव कर दिया है। जहां बैक टू बैक बॉलीवुड फिल्मों को लोग रेड फ्लैग दिखाते नजर आ रहे हैं, वही कांतारा और इसी तरह की कई बढ़िया साउथ फिल्म्स पर लोग प्यार भी लुटा रहे हैं। तो अब अगर कोई इतनी हिट फिल्म हो जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प हो, तो ये एक्सपेक्ट करना लाजमी है यार कि इसका हिंदी रीमेक भी बॉलीवुड में जरूर बनेगा। इसी बीच फिल्म कांतारा के एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने इसके बॉलीवुड रीमेक पर बात कर ली है और अपने मन की बात सभी को बता दी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानने के बाद कि ऋषभ शेट्टी नहीं चाहते उनकी फिल्म कांतारा का बॉलीवुड में हिंदी रीमेक बने। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी ने इस पर बात करते हुए कहा है कि उनकी फिल्म कांतारा को हिंदी में डब किया गया है, इसका हिंदी में रीमेक नहीं बनेगा। इस तरह के किरदार को निभाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जड़ों और संस्कृति में विश्वास करें। इस पर आगे ऋषभ शेट्टी ने बात करते हुए बॉलीवुड पर भी बात की और ये कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टर्स हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता फिल्म कांतारा का रीमेक बने, मुझे रीमेक्स में दरअसल दिलचस्पी नहीं है। वेल, ये तो पहली बार हुआ है जब किसी डायरेक्टर या फिर एक्टर ने इस तरह से अपना पॉइंट रखा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्म को किसी अलग तरह से बनाकर रीमेक बनाया जाए। अगर हम बात करें कि आज तक कितनी फिल्में साउथ की है जिनका हिंदी में रीमेक बना है, तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आपको थोड़े नाम मैं जरूर बता देती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगे, जैसे कि सिंघम, गजनी, साथिया, वांटेड, रेडी, भूल भुलैया, ओ माय गॉड, खट्टा मीठा एंड इवन सन ऑफ सरदार, और ऐसी ही और भी कई सारी बॉलीवुड की हिट्स है जो एक्चुअली में साउथ की रीमेक्स है। ये रीमेक्स का सिलसिला ना बहुत पहले से चलता आ रहा है। कभी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म्स का रीमेक बनाता है, तो कभी साउथ का, तो कभी साउथ भी बॉलीवुड की फिल्म्स का रीमेक बना देता है। तो रीमेक बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कांतारा के डायरेक्टर और एक्टर की बात से तो ये क्लियर हो गया है कि वो नहीं चाहते कि कांतारा का कोई भी हिंदी रीमेक बने। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बॉलीवुड से कोई करता है इसके लिए पिचिंग भी या फिर नहीं। बाकी मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि अब कांतारा ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, ऐसा नंबर जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री और इवन बॉलीवुड सभी को हिला कर रख दिया है। एंड बाय द वे, कांतारा अभी भी रुकती दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चल रहा है, हर कोई बस इसी की टिकट बुक करके सिनेमा हॉल पर ये फिल्म देखने जा रहा है। वैसे फिल्म कांतारा काफी कम बजट में बनाई गई कन्नड़ा फिल्म है, और ऋषभ शेट्टी ने भी बताया है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची है जो उनके गांव की ही है, इसलिए भी वो इस फिल्म से काफी अच्छे से कनेक्ट करते आए हैं और ये उनके लिए बहुत ही खास प्रोजेक्ट रहा है। बाकी आपने कांतारा अभी तक हॉल पर जाके देखी है या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि कांतारा का हिंदी रीमेक बॉलीवुड में बने या फिर नहीं। बाकी अगर अभी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, विच आई एम श्योर आया होगा गाइस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ।